बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ लेमिनार फ्लो ओवर अ प्लेट द थिकनेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज 2 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस दी हुई 2 mm और पूछा है थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या होगी। हम जानते हैं डेल अपॉन डेल टी, यहाँ पर डेल होता है क्या हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और डेल्टी होता है थर्मल बाउंड्री लेयर, इट्स इक्वल टू प्रेंडल की पावर 1/3। अब प्रेंडल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी दी हुई है, तो 2/ इज इक्वल टू प्रेंडल नंबर कितना दिया हुआ है 2.54 टू द पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.54 टू द पावर 1/3 तो ये आ जाएगा समथिंग 2/ इज इक्वल टू 1.364। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 2/1.364। 2 / आंसर यानी कि डेल्टा टी आ जाएगा 1.4658 mm। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए प्रेंडल नंबर की एक और वैल्यू होती है, प्रेंडल इज इक्वल टू होता है μCp/K। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी आपके काम आएगा। बाकी डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होता है प्रेंडल टू द पावर 1/3। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर लेफ्ट इन अ फर्नेस इफ द थर्मल डिफ्यूजिविटी इज 221.9 × 10⁻⁶ देन द फूरियर नंबर आफ्टर 10 सेकेंड है ना अप टू 2 decimal places। देखिए जो फोरियर नंबर होता है, फोरियर नंबर का फॉर्मूला होता है अल्फा टाउ एल सी स्क्वायर। ठीक है ना, टाउ यहाँ पर जो टाइम को शो कर रहा है, अल्फा शो कर रहा है थर्मल डिफ्यूजिविटी, एल शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है ना, क्यूब के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम अपॉन एरिया यानी कि 3/6a² यानी कि 6 ये आ जाएगी क्या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा जैसा दिया हुआ है 21.9 × 10⁻⁶ टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड बाय। अब एल सी कितना हो जाएगा 5 cm/6 यानी कि 6, तो ये कितना आ जाएगा 0.05/6। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगी वैल्यू 0.05/6² जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी, वो वैल्यू होगी 3.1536। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, फोरियर नंबर की। ठीक है, अब फोरियर नंबर हमने निकाल लिया, फोरियर नंबर क्या होता है, फोरियर नंबर इज इक्वल टू अल्फा टाउ यानी कि टाइम एल सी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक फोरियर नंबर ये भी होता है, फोरियर इज इक्वल टू, उसमें फोरियर नंबर होता है, उससे हीट ट्रांसफर का केस भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ फ्लूड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 5 W/m एंड द पाइप ऑफ 20 cm द रेनॉल्ड नंबर इज 1500। देखिए जो जनरली केस होता है रेनॉल्ड नंबर का, यदि रेनॉल्ड नंबर पाइप के केस में 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो हो जाएगा
यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा है टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन यदि वही प्लेट के केस में रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से कम है तो ये हो जाएगा लेमिनार फ्लो। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1500, यानी कि ये केस किसका है लेमिनार फ्लो का। अब इसमें पूछा है क्या पूछा है, व्हाट विल बी द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ फ्लूइड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 5 वाट पर मीटर केल्विन इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर विथ रेनॉल्ड नंबर 1500। द पाइप इज मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट बॉल टेम्परेचर। देखिए अब एक होता है नसेल्ट नंबर, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट बॉल टेम्परेचर के लिए होती 3.66 और कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स के लिए होती है इसकी वैल्यू 4.36। इसलिए क्वेश्चन मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना, ये दिया कॉन्स्टेंट बॉल टेम्परेचर, आया ना समझ में। तो इसलिए ये हो जाएगा नसेल्ट नंबर। यहाँ पे पूछी एच की वैल्यू, अब हम जानते हैं नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू होता है एच एल सी बाय के, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायमीटर है वो हो जाएगा क्या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, क्योंकि जो फ्लूड फ्लो हो रहा है वो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इतना 3.66 इज इक्वल टू एच इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी 20 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है इसकी 5 वॉट, ठीक है ना। तो यह जाएगा 3.66 × 5 डिवाइड बाय 20 × 10⁻²² का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एच। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 91.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, नसेल्ट इज इक्वल टू होता है एच एल सी बाय के। जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल इज शोन इन द फिगर हैज कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इफ द टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल इज 40°C, ऑन द राइट साइड इज 90°C, देन द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। देखिए अब यहाँ पर एक टर्म यूज कर लिया है इन्होंने, क्या टर्म यूज कर लिया, कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल लेंथ दी हुई है एल, इसकी कंडक्टिविटी भी हो जाएगी क्या के, इसकी कंडक्टिविटी भी हो जाएगी के। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टेम्परेचर निकाल सकते हैं, इसका एवरेज 90 + 40/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 + 273, 5 × 3 = 8, 7 × 6 = 13, 338 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ने केल्विन में पूछा है, और यदि आप फॉर्मूले से जाएं तो होता है क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड कितना है 40 − t / इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी के, लेंथ हो जाएगी एल बाई टू इज इक्वल टू। दूसरे पार्ट में भी, इस पार्ट की तो हमने हीट ट्रांसफर निकाल ली, अब इस पार्ट में भी हीट ट्रांसफर होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, के टी माइनस 90 अपॉन एल बाई टू, एल बाई टू से एल बाई टू कैंसिल होगा, के से के कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 40 − t इज इक्वल टू टी माइनस 90। बात वही हो जाएगी 40 + 90 इज इक्वल टू 2t, तो कितना हो जाएगा 130/2 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 + 273, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8, 6 × 7 = 13, 338 केल्विन। तो ये हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। हमने कौन सा फॉर्मूला आज यूज किया है यहाँ पर, फोरियर हीट ट्रांसफर, क्यू इजिकल टू के ए टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन एल, ये फॉर्मूला यूज किया है।
अब बॉल का जो एरिया रहेगा ना वो ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है ना। तो एरिया सभी का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एरिया की वैल्यू मैंने नहीं लिखी। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया और इसका आंसर आ गया किसमें, केल्विन में, 338 केल्विन। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिन के केस में क्या होता है, देखिए। अब फिन में एक्चुअली इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इफेक्टिवनेस अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू PL/A। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। जनरली जो इफेक्टिवनेस होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट PKAH, है ना। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/ML, ठीक है ना। जो एम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, HPKA। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यदि अलग अलग पूछा जाए तो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस हमको निकालनी है, एफिशिएंसी हमको दी हुई है 0.4। अब PL होता है पेरिफेरल एरिया, पेरिफेरल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 100 डिवाइड बाय 5। तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 × 0.4 / 5, ये हो जाएगा 20 × 0.4 हो जाएगा 8। तो इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, 8। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है H/MK, ये कहाँ से आता है इसको भूल जाइए। यदि H/MK इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो फिन इन इफेक्टिव है, इन इफेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। यदि एच इज ग्रेटर देन एम के है तो उस केस में क्या होगा, जो फिन है ना उस केस में क्या होगा, यदि एच इज ग्रेटर देन, एच इज ग्रेटर देन एम के, तो इस केस में क्या होगा, यदि आप फिन ऐड करेंगे ना किसी सरफेस पर तो उसका हीट ट्रांसफर रेट है ना वो घटेगा, यदि क्योंकि एच इज ग्रेटर देन एम के, यानी कि इफेक्टिवनेस इज क्या हो जाएगी, लेस देन 1, ठीक ना। यदि एच से एम के बड़ा है तो इफेक्टिवनेस कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा, यदि आप किसी सरफेस पर फिन ऐड करेंगे तो उसका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। तो ये था अपना मेन आंसर, ये थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है, इन अ फिन हैज अ डायमीटर ऑफ 25 mm मेड ऑफ मैग्नीशियम, कंडक्टिविटी दी हुई है, बेस टेम्परेचर दिया हुआ है फिन का 180 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज 20 वॉट द हीट लॉस। अब देखिए यहाँ पर तीन फिन होती है, ये वाली फिन दी हुई है इनफाइनाइट फिन, एक होती इनफाइनाइट फिन, दूसरी होती शॉर्ट फिन, ठीक है ना। एक होती इनफाइनाइट फिन, दूसरी होती शॉर्ट फिन, और एक तीसरी टाइप की फिन होती है उसमें क्या होता है, और तीसरी जो टाइप की फिन होती है उसमें क्या रहता है, इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। दूसरा शॉर्ट फिन होती है उसमें क्या रहता है, जो टिप रहती है ना उससे हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो तीसरी टाइप की फिन होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव फिन। इस केस में क्या होता है, जो फिन की टिप होती है ना उससे भी हीट ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। देखिए सभी के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है HP/KA, है ना, और थीटा नॉट, ठीक है ना।
अब एच कितना हो जाएगा 20, पी कितना हो जाएगा पेरीमीटर, पाई इंटू डी कितना दिया हुआ 0.025 इंटू, अब के कितना दिया हुआ है 160, तो ये जाएगा 160 इंटू पाई बाय 4 इंटू, एरिया तो वही रहेगा ना यार जो एंड का एरिया रहता है, इसका स्क्वायर, अब इसका अंडर रूट ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 का, और 180 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 180 माइनस 25, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 180 माइनस 25। तो यहाँ से जब आप क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, उस आंसर की वैल्यू क्या होगी जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 54.44 वॉट। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट फिन है, लॉन्ग फिन है, इनफाइनाइट कन्वेक्टिव फिन है, तो सबसे पहले क्यू इज इक्वल टू होता है, सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है एच पी के ए थीटा नॉट टेन एच एम एल, एम की वैल्यू क्या होती है एच पी का, ठीक है ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, टेन एच कुछ नहीं होता, ये टेन एच टेन हाइपरबोलिक फंक्शन है, एम आपको दिया रहेगा, एल भी आपको दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है टेन एच एम एल की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 2.65 आती है तो ये केस किसका हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का, वैसे जनरली इसकी वैल्यू आ जाती है 1, तो ये केस इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का हो जाएगा, नहीं तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंपली हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, होता है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए, ये होता है इंसुलेटेड टिप फिन के लिए। अब मैंने आपको बता दिया एम कैसे कैलकुलेट करना है और टेन एच एम एल की वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है, तो ये किसका हो किसके लिए हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा शॉर्ट फिन के लिए, इसके आगे लिख देता हूँ शॉर्ट फिन, ठीक है, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अ फर्नेस हैज अ बॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर थिकनेस एंड अ थर्मल कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू टू, द अन इंसुलेटेड ऑफ 3 सेंटीमीटर इज अप्लाइड, या आप देख सकते हैं अप्लाइड विच हैज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.08 वॉट, वन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल देयर इज अ फ्लू गैसेस द टेम्परेचर इज 700 केल्विन डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशेंट 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेशन इज 25 डिग्री सेल्सियस, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, यानी कि हमको ये वाला टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये वाला टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बढ़िया सा हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेम्परेचर 700 माइनस टी, इस सरफेस का तो हमको टेम्परेचर निकालना और हमको ये पता है, ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/100 + 0.2/2, कंडक्टिविटी ये बॉल की थिकनेस आ जाएगी, और कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है कंडक्टिविटी दी हुई है 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने ये वाले पोर्शन को तो कवर कर लिया, इतने पोर्शन को, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही थी वो हो रही थी कन्वेक्शन से और इस बॉल में हो रही थी कंडक्शन से, तो हमने जो रेजिस्टेंस लिया है वो कन्वेक्शन का लिया पहले फिर कंडक्शन का ले लिया, अब हमको क्या पता है ये वाला टेम्परेचर हमको पता है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अब हम इस वाले पोर्शन को कवर कर लेंगे, इस वाले पोर्शन का क्या हो जाएगा T-25/, अब इसमें केवल जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो केवल और केवल कंडक्शन से हो रही है, इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 0.03 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और
इसकी जो कंडक्टिविटी दी हुई है वो दी हुई है 0.08 वॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.008 वॉट पर मीटर केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद वो कितनी आ जाएगी, मैंने सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं ठीक है, इसकी फाइनली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 680.76 डिग्री सेल्सियस। एक तो तरीका हो गया ये, अब दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दूसरा तरीका, सबसे पहले तो आप क्या करिए, हीट ट्रांसफ़र निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 700 माइनस 25, ये इस साइड का टेम्परेचर हो जाएगा 700, इस साइड का हो जाएगा 25, और टोटल रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो ये हो जाएगा कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस 1/100, कंडक्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.2, इसकी हो जाएगी थिकनेस और ये कंडक्टिविटी, प्लस 0.03 ये इसकी थिकनेस और इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेशन की कितनी हो जाएगी 0.008 ठीक है। जब आप यहाँ से क्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास क्यू की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 174.87 वॉट पर मीटर स्क्वायर ठीक है। अब आप इसको किसके इक्वल कर दीजिए, अब आप इसको इक्वल कर दीजिए किसके, इस वाले पोर्शन के, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 700 माइनस T, हमको कैलकुलेट करना है टी, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस ये 100 वाट दिया हुआ है एच की वैल्यू, प्लस अब कंडक्शन का रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.2/2। जब आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी वही वैल्यू आ जाएगी 680.76 डिग्री सेल्सियस, यदि केल्विन में पूछता है तो केल्विन में निकाल दीजिए ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड ये है, टेम्परेचर से डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर पहले हीट कैलकुलेट कर लीजिए हीट की वैल्यू, इसके बाद आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से भी आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं ठीक है। तो चलिए, लेक्चर बहुत लंबा हुआ है, इसको यहीं रोकते हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।